मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दिलजान के हवाले से आयशा भोसले जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। दिलजान आयशा भोसले जी के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, क्योंकि सुर्ख शेस्तर में आयशा भोसले दिलजान के गानों को बहुत मन से सुनती थी और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती थी। आयशा भोसले का कहना था कि दिलजान बहुत नेक और डाउन टू अर्थ बेटा था। के चले जाने से सुर की दुनिया को बहुत ज़्यादा घाटा पड़ा है, जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि माय मोस्ट फेवरेट सिंगर दिलजान इज़ नो मोर, ही वाज ए अमेजिंग एंड टैलेंटेड सिंगर। दिलजान को उसके घर वाले प्यार से पोलू कहते थे। इस वक्त आप स्क्रीन पे दिलजान की गाड़ी की पिक्चर्स देख सकते हैं। हादसा मंगल को सुबह 3:45 पर हुआ। दिलजान अमृतसर से करतारपुर अपने घर आ रहे थे कि उनकी गाड़ी खड़े हुए एक डिवाइडर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गए। जान की मौत के हवाले से म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों के स्टेटमेंट सामने आए हैं। अनमोल मोहसिन वाली, जो कि इंडिया के क्लासिकल सिंगर हैं, उन्होंने दिलजान की मौत के हवाले से स्टेटमेंट दिया है। आप उनकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिग लॉस टू आवर म्यूज़िक इंडस्ट्री। वो बहुत ज़्यादा इसको घाटे का सौदा देखते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसा नाम दोबारा पैदा नहीं होगा। दिलजान और इसके हवाले से और भी बहुत सारी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।